तो दोस्तों पिज़्ज़ा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले कोई भी एक रेडीमेड पिज़्ज़ा बेस ले आएंगे शॉप से, ठीक है। चलिए इसे खोलते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फोक लेंगे एंड इस फोक से इसमें पिज़्ज़ा बेस में बहुत सारे हमने डॉट्स बना दिए हैं, ठीक है। आप भी इसी तरह से अपने पिज़्ज़ा बेस में बहुत सारे डॉट्स बना देना। अब हम पिज़्ज़ा में डालेंगे प्याज, पनीर, शिमला मिर्च, मशरूम, टमाटर, इसके साथ साथ आप ओलिव्स भी डाल सकते हो, ठीक है, अपनी चॉइस के हिसाब से। अभी हम बस इतना ही डालेंगे। अब हम क्या करेंगे, हम पूरे पिज़्ज़ा बेस पे अपने हिसाब से पिज़्ज़ा सॉस लगा लेंगे, ठीक है। पूरे बेस को कवर कर देना आप पिज़्ज़ा सॉस से अच्छे से। अब हम इसमें डालने वाले हैं अमूल का मोज़रेला चीज़, ठीक है, इस पूरे पिज़्ज़ा सॉस पे। इस तरह से हमने अच्छे से पूरे पिज़्ज़ा बेस पे मोज़रेला चीज़ बिछा दिया। अब हम इस पे क्या डालेंगे, जो हमने प्याज, टमाटर, मशरूम, पनीर और शिमला मिर्च काट के रखा था उसके अच्छे से इस पे टॉपिंग कर देंगे। तो गाइज़ हमने देखी पिज़्ज़ा बेस पे पूरे टॉपिंग कर दिए, प्याज, टमाटर, मशरूम, शिमला मिर्च, ठीक है, एंड पनीर। आप इसके साथ साथ कुछ और टॉपिंग्स भी डाल सकते हो, ओलिव्स वगैरह जो आपका मन करे। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम ओवन को प्री हीट करेंगे थोड़ी देर एंड उसके बाद इसे 30 मिनट्स के लिए ओवन में डाल देंगे। अब हमने ओवन को प्री हीट पे डाल दिया है, ठीक है, 200 डिग्री सेल्सियस पे, एंड जैसे ये एक ऑटो बीप देगा तो उसके बाद हम इसमें अपना पिज़्ज़ा बेस डाल देंगे। अब हमने इस ग्रिल को थोड़ा बटर के साथ ग्रीस करा है एंड अपना पिज़्ज़ा इस पे रख दिया है। अब हम इसे बंद करते हैं एंड इसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है, 5 मिनट के लिए, अपने आप यहाँ पर टाइम आ जाएगा 5 मिनट्स, सो लेट्स सी। सो अब हम वेट करते हैं 5 मिनट। तो आप देख सकते हो पिज़्ज़ा में अंदर जो चीज़ था वो मेल्ट होना शुरू हो गया, तो हमारा पिज़्ज़ा ऑलमोस्ट बेक हो चुका है एंड अब हम इसे बंद करके बाहर निकालते हैं। देख सकते हैं आप, बिल्कुल यम लग रहा है, यम, यमी। देख सकते हैं आप पिज़्ज़ा पूरा अच्छे से बन चुका है। अब हम इसे बाहर निकालेंगे क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा मेल्ट हो गया है, तो कोशिश करें कि आप कम टाइम तक ही थोड़ा इसे बेक करें। तो दोस्तों हमारा जो पिज़्ज़ा है वो बन के तैयार हो चुका है। मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा जो मोज़रेला चीज़ लास्ट में ऊपर से डाला था टॉपिंग के ऊपर से, तो उसकी वजह से थोड़ा सा ये ज़्यादा मेल्ट हो गया है। बाकी आप देख लो, ये प्रॉपर एक चीज़ बस्ट पिज़्ज़ा है। तो अब हम इसे इस पे ओरिगैनो एंड चिली फ्लेक्स छिड़क के एंड टोमेटो केचप के साथ इसे खा जाएंगे।